हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी, फिट एंड फाइन एज यूजुअल। ओके, सो आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ, इस पर मैं मेंटल ड्रिल की वर्कशीट लेके आई हूँ फॉर फर्स्ट क्लास और क्लास वन मैथमेटिक्स। सो देखिए, इसमें काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं जो अपने बच्चे को ज़रूर करवानी चाहिए। तो इसमें मैंने ये बुक इसलिए ऑर्डर की थी क्योंकि ना इसमें डेट वाइज करवा सकते हैं एवरी डे, ठीक है। सो जिन पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है या फिर जो होम स्कूलिंग कर रहे हैं तो रिसोर्सेज नहीं पता होता है कि अब क्या कराएं, कैसे कराएं, है ना, तो उस केस में ना फटाफट इस तरह की एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि आपके बच्चे को आपको और ज़्यादा स्मार्ट बनाना है तो आप आफ्टर स्कूल भी इस तरह की एक्टिविटीज़ दे सकते हैं अपने बच्चे को। ओके, सो जैसे ये फर्स्ट है, इसमें यहाँ पे नंबर गिवन है, यहाँ पे इमेज गिवन है, यहाँ पे नंबर नेम गिवन है, स्पेलिंग आपको बच्चे को ये मैच करना है। ओके, सेकेंड जो इसमें है वो है ये नंबरिंग दी हुई है, यहाँ पे आपके बच्चे को इनको कलर करना है एंड यहाँ पे आपके बच्चे को स्पेलिंग राइट करनी है। ओके, थर्ड जो एक्टिविटी है वो इस तरह की है कि यहाँ पे कुछ नंबर राइट करना है बच्चे को इज जस्ट बिफोर फोर, ठीक है, बिफोर दिस, यहाँ पे एक नंबर राइट करना इज जस्ट आफ्टर फाइव, ठीक है। इसमें बिफोर और आफ्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है और इसको ना रिवर्स ऑर्डर में भी गिवन है, ये बेस्ट पार्ट है। इसमें ना कन्फ्यूजन जो भी बच्चे का होगा वो क्लियर हो जाएगा। जैसे सिक्स इज जस्ट बिफोर सेवन, है ना, बोथ साइड के, दिस साइड के और दिस साइड के, दोनों साइड की एक्टिविटीज़ आप अपने बच्चे से करवाइए। यहाँ पर फिर बिटवीन नंबर आ जाता है, तो यहाँ पर ना एक बच्चे को रीडिंग भी करनी है तो उसकी रीडिंग भी इम्प्रूव होगी, ठीक है। जब फर्स्ट क्लास में बच्चा है तो रीड भी करेगा और एक्टिविटी करेगा। यहाँ पर फिर ग्रेटर और लेस देन के सिंबल हैं। ओके, नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है एडिशन की, 6+2 सिंपल बेसिक एडिशन है। ओके, यहाँ पे इस साइड में सारे ये एडिशन है, दिस साइड व्हाट वी हैव, यहाँ पे रीड करना है अगेन बच्चे को, वन मोर देन सेवन इज, वन मोर देन फोर इज, टू मोर, टू लेस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिस साइड आपके बच्चे को बहुत करना पड़ सकता है। ओके, तो फिर यहाँ पे अब आ जाते हैं नेक्स्ट वर्कशीट पर। 5 नंबर में यहाँ पे क्या है, 4+1 इज़ हाउ मच, 2+3, है ना, तो बोथ साइड की जो इक्वेशन है उन्हें बैलेंस करना है, बैलेंसिंग इक्वेशन की है। 3+3 इज जैसे 6 हो गया, तो यहाँ 4 इज गिवन, 4+2 6, तो इस तरह की वर्कशीट भी आप अपने बच्चे को करवाइए बैलेंसिंग वाली। ओके, नेक्स्ट जो वर्कशीट है वो सब्ट्रैक्शन की है, सेम इसके जैसी ही, एडिशन के जैसी ही, बट ये सब्ट्रैक्शन की है। यहाँ पे वही सेम, 1+, 2+, 5+, लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट जो 7 नंबर वर्कशीट है उसमें क्या है, उसमें है जैसे 4+1 इज़ 5, ग्रेटर देन लेस देन की है, बट बोथ साइड की इक्वेशंस को सोल्व करना है एंड देन यहाँ पे सिंबल पुट करना है। नेक्स्ट जो वर्कशीट है वो है जैसे 3+8 एडिशन इज गिवन, है ना, और इस साइड एडिशन गिवन है, बीच में इनका टोटल गिवन है, तो 3+8 इज़ 11, तो बच्चे को यहाँ पे मीट करना है एंड इस साइड जिसका भी आंसर 11 होगा, लाइक 6+5 इज़ 11, इस तरह से बच्चे को ये मैचिंग करनी है। ओके, नेक्स्ट ऐसे ही सेम सब्ट्रैक्शन के लिए भी आप कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कर सकते हैं अगर आपके बच्चे को आता है तो। नेक्स्ट जो वर्कशीट है वो है नंबर नेम की, राइट, यहाँ पे नंबर्स आर गिवन, उनकी जो नेम है, स्पेलिंग है, वो आपके बच्चे को राइट करनी है, इसकी उसकी स्पेलिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पर क्या है कि नंबर आपके बच्चे को राइट करने हैं, नेम आर ऑलरेडी गिवन, नंबर राइट करने हैं, इससे अपोजिट है। ओके, नेक्स्ट जो वर्कशीट है उसमें क्या है, फिल इन द करेक्ट नंबर। ओके, एक सीक्वेंस गिवन है, 60, 36, 37, 38, मींस 1-1 एड ऑन हो रहा है, तो इससे नेक्स्ट नंबर आपके बच्चे को राइट करने, पैटर्न आपके बच्चे को पहचानना है। जैसे यहाँ पे रिवर्स पैटर्न हो गया, 22, 21, 20, है ना, तो ये पैटर्न आइडेंटिफिकेशन आपके बच्चे को आप सिखा सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है बिफोर आफ्टर, ठीक है, तो इस तरह के बिफोर और आफ्टर, इस तरह की एक्टिविटीज, इस तरह की वर्कशीट ना आप DIY भी कर सकते हैं। ओके, बट इफ़ यू डोंट हैव टाइम तो आप डेफिनेटली इस तरह की बुक में इन्वेस्ट कीजिए। ओके, फिल इन द करेक्ट नंबर इन द प्लेस होल्डर, तो यहाँ पे क्या है, 63 इज जस्ट आफ्टर किसके होता है, 62 होता है, 11 इज जस्ट आफ्टर किसके होता है, 10 होता है, है ना, तो इस तरह की वर्कशीट है ये। हाउ मैनी टेंस आर देयर इन 96, तो आपके बच्चे को राइट करने हैं कि 9 टेंस, है ना, एंड ओके, ओनली टेंस यहाँ पे राइट करना है, वंस के बारे में नहीं राइट करना है। यहाँ पे फिर इनको अलग अलग कर देना है ना, जैसे 73 है, 7 टेंस है, 3 वंस हैं, और इसको हम ऐसे भी राइट करते हैं 7 टेंस को, 70+3, ठीक है, इस तरह की वर्कशीट आप अपने बच्चे से करा सकते हैं। फिर यहाँ पे इसका ना उल्टा दिया हुआ है, यहाँ पे टेंस
फाइव टेंस प्लस थ्री वंस है ना, उसे फिर 50 प्लस थ्री इक्वल्स टू 53 इस तरह से राइट करना है. ओके, यहाँ पे भी ये काफ़ी अच्छी, यहाँ पे ना ब्लैंक छोड़ दिया है कि कितने टेंस होंगे और उसमें कितने वंस ऐड होंगे कि ऐसे बनेगा. ओके, घुमा फिरा के क्वेश्चन दिए हैं ताकि आपके बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है, जो ब्रेन की जो मेंटल ड्रिल, इसलिए इसको नाम दिया गया है, ये अब अगर इसमें नंबर्स को कैसे ड्रॉ करते हैं सिंपल बाय बीट्स, वो यहाँ पे गिवन है. ओके, यहाँ पे है फिर करेक्ट नंबर फिलअप करना है. 23 है तो 20 प्लस 3 है ना, ये नंबर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, टोटल भी हो सकता है. ओके, पहले जो एडिशन सब्ट्रैक्शन के थे वो सिंगल सिंगल डिजिट के थे, अब जो आ गए हैं वो टू डिजिट के आ गए हैं. ओके, ये ग्रेटर देन लेस देन है. ओके, नेक्स्ट जो आ जाते हैं वो हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके, विच वन इज़ ग्रेटर स्मॉलर, इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, या फिर इनके बीच में इसमें हाउ मैनी टेंस हैं, हाउ मैनी वंस हैं, इस तरह से आप क्वेश्चन बना के बच्चे को वो भी दे सकते हैं. नेक्स्ट जो मेंटल मैथ की एक्टिविटी है, वर्कशीट है, उसमें है ये नंबर आर गिवन, आपको बच्चे को असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में उन्हें राइट करना है. ओके, यहाँ पर भी सेम वैसे ही है. यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है कि सर्कल द नंबर विच कम्स सेकेंड व्हेन द गिवन नंबर आर अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर, है ना. तो इस तरह से फिर वो आपके बच्चे को सर्कल करवा सकते हैं, राइट करवा सकते हैं. ओके, यहाँ पे डिसेंडिंग में फोर्थ थोड़ा सा घुमा के दे रखा है और कुछ नहीं है. ओके, यहाँ पे दे दिया है कि टिक द ग्रेटर नंबर को आपको टिक करना है एंड क्रॉस आउट द स्मॉलेस्ट नंबर की टू एक्टिविटीज़ टुगेदर करनी है बच्चे का. इससे फोकस भी थोड़ा इम्प्रूव होगा कि किसको क्रॉस करना है, किसको लाइक सर्कल करना है, किसको क्या करना है. ओके, तो ये आ गई है व्हील वाली एक्टिविटी. ये भी काफ़ी अच्छी होती है, बच्चे को ना थोड़ी सी अच्छी लगती है. बीच में नंबर दे दिए हैं, बाहर बच्चे को ना स्पेलिंग राइट करनी है. ओके, यहाँ इसका अपोजिट किया गया है, अंदर ये दिए हुए हैं बाहर नंबर्स की जो स्पेलिंग है, नंबर नेम राइट करना है. ओके, यहाँ पे फिर उनके ना बिटवीन नंबर पूछे हैं, जैसे पिक आउट द नंबर लाइंग बिटवीन 20 to 60, इस व्हील में से चेक करके 20 से 60 के बीच में कौन से नंबर हैं, इस तरह से आपके बच्चे को करना है. ये अगेन एडिशन आ जाता है और इसमें वंस और टेंस के थ्रू मैंने ये एमए से करवाए थे. ओके, तो आप भी अपने बच्चे से ज़रूर करवाइए. अब ये जो नेक्स्ट है वो आ जाता है कि ऐड मींस, अभी आपके बच्चे को इस फॉर्मेट में नहीं दिया गया है, फॉर्मेट चेंज कर दिया है, ऐड दिस एंड दिस. उस बच्चे को अंडरस्टैंडिंग करनी है एंड ट्राई करना है डायरेक्ट ऐड करें इनको वंस और टेंस को बिना इस तरह से राइट किए और फिर मैच करें. नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन की है, जैसे एडिशन की थी वही सेम टाइप का फॉर्मेट है. यहाँ पे डायरेक्ट मैंने उसे सब्ट्रैक्शन करवाया था. ओके, यहाँ पे जो नेक्स्ट है एक्टिविटी वही है, टेंस एंड वंस की है. इसमें 30, इसमें डायरेक्ट ना टेंस के टेंस वाले माइनस करने, जैसे 30 है ना, 3 टेंस में 2 टेंस ऐड किया तो 5 टेंस. थोड़ी कैलकुलेशन बच्चे की फास्ट हो या उसके लिए है. ओके, यहाँ पे जब अगर वंस भी आ जाता है तो फिर आपके बच्चे को इस तरह से करना होगा. जो वंस नहीं होता है तो डायरेक्ट टेंस टेंस ऐड कर सकते हैं. ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन के लिए है सेम टाइप की. नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है कि ओके, 35 प्लस 5 है, मीन्स बच्चे को 5 जंप लेने हैं ना, 36, 37, 38, 39 है, जो फाइनल आंसर होगा वो यहाँ राइट करना होगा इसे. ओके, नेक्स्ट जो ये है, ये सब्ट्रैक्शन के लिए, इसमें बैक जंप लेना है और यहाँ पे आंसर राइट करने हैं. अगेन मेंटल मैथ व्हील की एक्टिविटी आ जाती है, इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई भी है. जैसे यहाँ पे 32 है या 20 है, इसके बीच में नंबर गिवन है, उनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्शन का हो तो सब्ट्रैक्ट करना है और इस तरह से आपके बच्चे को इन्हें सॉल्व करना है. ऐसे ही आप मल्टीप्लिकेशन की भी वर्कशीट बना सकते हैं. ओके, अब देखिए ये यहाँ पे, ये भी काफ़ी अच्छा है. इसमें क्या है कि इस साइड ऐड करना है, इस साइड ऐड करना है, इस साइड सब्ट्रैक्शन, इस साइड सब्ट्रैक्शन. तो बच्चे को ना थोड़ा ध्यान रखना होता है स्टार्टिंग में, जब बच्चे न्यू लर्नर होते हैं क्या होता है कि सिंबल में उन्हें कन्फ्यूजन हो जाता है. और कन्फ्यूजन क्या होता है कि वो ना फोकस ही नहीं करते हैं, ध्यान ही नहीं करते हैं कि उन्हें क्या करना क्या है. एक्चुअली एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन ब्रेन में ऐसा फिक्स होता है कि एडिशन कर रहा है तो एडिशन ही करता रहता है, समटाइम्स सब्ट्रैक्शन में भी एडिशन करता रहता है ना. तो इस तरह की मिक्सड एक्टिविटीज़ आप दीजिए. नेक्स्ट जो एक्टिविटी है उसमें आपके बच्चे को रीडिंग एंड राइटिंग बोथ करनी है. वन मोर देन 89 इज दिस लाइक दैट.
यहाँ पे अगेन 50 में हाउ मच यू हैव टू ऐड कि इट विल बिकम 54, 26 में व्हाट यू हैव टू ऐड दैट इट विल बिकम 30, इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ अगेन इसमें टेंस एंड वंस में उसे कन्वर्ट कर दिया है कि 32 में व्हाट यू विल ऐड कि इट विल बिकम 3 टेंस एंड 7 वंस। ठीक है, ये फिर सब्ट्रैक्शन के लिए है। ये बहुत अच्छी है, मैं एमी को करवाऊंगी। इसमें भी काफ़ी अच्छे से इसको ऐसे बनाया हुआ है, जैसे अब यहाँ पे 30 में ना 10 ऐड करना है, फिर 12 ऐड करना है, फिर 18 सब्ट्रैक्ट करना है, 20 ऐड करना है, 26 ऐड करना है, 10 माइनस करना, मीन्स प्लस माइनस, मतलब बहुत टाइप की एक्टिविटीज़ हैं इसमें, है ना, एडिशन भी सब्ट्रैक्शन भी। आपके बच्चे के ब्रेन के लिए बेस्ट हैं ये, सेम इसी टाइप की तरह उसे अगर स्मार्ट बनाना है तो ज़रूर करवाइए। या यहाँ पे एक नेकलेस गिवन, 18 बीट्स, 22 ग्रीन बीट्स, 26 ब्लू, 34 आर येलो बीट्स, हाउ मेनी बीट्स आर रेड एंड ग्रीन। ओके, ये जो हम जैसे बुलियन या फिर जो ग्राफ टाइप के उस तरह की एक्टिविटीज़ है, मीन दोनों ऐड करके बच्चे को फिर राइट करना है इस तरह से हैं, या फिर आप ना इन्हें वर्ड प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम में भी इसी तरह के क्वेश्चंस देते हैं और आंसर करने होते हैं बच्चे को। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है अबाउट पिक्चर शोन बिलो एंड गिव द आंसर। ओके, ये है अबाउट ऑर्डर, 6th, 8th, अबाउट द प्लेस। ओके, हाउ मैनी डेज आर इन अ वीक, ये वीक और ईयर के क्वेश्चन आ गए हैं, मंथ से रिलेटेड एंड वो सब। ओके, यहाँ पे क्लॉक का आ गया है कि बच्चे को टाइम रख राइट करना है। ओके, 6 o'clock, 7 o'clock, इस फॉर्मेट में भी राइट करते हैं, इस फॉर्मेट में भी राइट करते हैं। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है, हाउ मैनी 5 paise कॉइन मेक अ रुपी। ओके, ये इसके लिए आपके बच्चे को मल्टीप्लीकेशन एडिशन दोनों आनी चाहिए, ठीक है, तभी आपका बच्चा रीड करेगा और इन क्वेश्चंस के आंसर करेगा। जब मैं करवाऊंगी तो आई विल ट्राई कि मैं वीडियो बनाऊं, बट पॉसिबल नहीं हो पाता है वीडियो बनाना, क्योंकि फिर बच्चे के लिए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है ना, मैं कम ही बनाती हूँ वीडियोस। ये है जहाँ पे कि पैटर्न आपके बच्चे को फॉलो करना है, रीजनिंग के लिए है ये। यहाँ पे भी इसी तरह की एक्टिविटीज़ भी आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। यहाँ पे शेप से रिलेटेड है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स हैं, ओके, हाउ मेनी सर्कल हैं, इस तरह से। ये भी ऐसे ही है, ट्राइंगल्स हैं, शेप्स हैं, मीन जितनी शेप्स हैं इस ब्लॉक में कितनी है, इसमें 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 और टोटल कितनी है, या किस में मोर है, लाइक दैट इट इज़। यहाँ पे फिर सेम नंबर के लिए है। फिल इन द ब्लैंक द थर्ड लेटर इन द वर्ड इसमें, ओके, इस तरह की एक्टिविटीज़ भी आप बच्चे को दे सकते हैं। पैटर्न आ गया है अगेन, यहाँ पे फिर अगेन आपके बच्चे को पैटर्न को पहचानना है एंड फिर इनके आंसर करने हैं। ये प्रीपोजिशन का है, प्रीपोजिशन में बिसाइड, इन, आउट, एक पिक्चर दी हुई है। ये इसका अच्छा पार्ट है कि फ़ोटो में देख के आपके बच्चे को बताना है कि ये जो ट्री है ये ओन है ना, अंडर है या बैक है, बिहाइंड है, लेफ्ट राइट है, तो इस तरह भी आप भी करा सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अरेंज द ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। ओके, इनका जो स्मॉल टू बिगेस्ट इनको अरेंज करना है, फिर बिग टू स्मॉल इनको अरेंज करना है, लाइक दैट। फिर आ जाती हैं ये स्किल मैथ एक्टिविटीज़, इनके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, ओके, सो दैट आप अपने बच्चे का टेस्ट ले सकते हैं कि हाउ मच ही और शी इज़ डूइंग, और कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करना है, एंड देन आई विल शेयर आंसर ऑल्सो यहाँ पे, बिकॉज आंसर सीट भी गिवन है। सो आई होप कि आज की जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो, बाय बाय।